बड़ी खबर यह कि अमित शाह की इसी अपील पर अमरिंदर सिंह का भी बयान आया है। किसान मान ले दूसरी जगह शिफ्ट होने की अपील, ये कैप्टन अमरिंदर का कहना है। दूसरी जगह शिफ्ट होने से बातचीत की शुरुआत हो सकेगी। सरकार को किसानों की बात पर ध्यान भी देना चाहिए और सरकार ध्यान देगी। अमित शाह ने जो अपील की उसी पर कैप्टन अमरिंदर का ये बयान कि दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए किसान, जिसके बाद बातचीत शुरू हो पाए। और सिंगू बॉर्डर से इस वक्त मेरे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मोहित, रात भर क्या तस्वीर आपको वहां देखने को मिली और आज किस बात पर निष्कर्ष निकल पाएगा, क्या जगह आज तय हो पाएगी ताकि बातचीत हो पाए? पूर्णिमा, तीसरी रात थी जब सिंगू बॉर्डर पर जो किसान प्रदर्शनकारी वो आके बैठे हुए हैं। कल पिछले दो दिन के मुकाबले आज जो तनाव था वो कम नज़र आया है कि जो किसान जो है वो एक तय सीमा के अंदर ही बैठे रहे हैं, क्योंकि कल का जो सीन था, कल कई दौर की मीटिंग हुई है दिल्ली पुलिस के अधिकारी और किसान नेताओं के बीच में, और लगातार उनसे अपील की जा रही थी कि आप निरंकारी मैदान में जाइए और वहाँ पर जाकर अपना प्रदर्शन कीजिए, क्योंकि किसान नेताओं का कहना था कि उनको दिल्ली आने दिया जाए तो वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इसके उलट हिंसक तस्वीरें सामने आई थी और लगातार जब से दिल्ली पुलिस इन किसान नेताओं के संपर्क में है, कल शाम को जब अमित शाह जी का बयान आया है उसके बाद से लगातार किसान नेता है वो अपनी चर्चा कर रहे हैं, और आज सुबह 9 बजे की मीटिंग है वो काफी अहम होने जा रही है और उसके में निकल कर आएगा कि ये लोग दिल्ली की सीमा छोड़कर निरंकारी मैदान जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन लगातार जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो इनके संपर्क में हैं, सरकार के कुछ अधिकारी इनसे लगातार अब संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इनका आगे का प्लान क्या होगा। वो आज सुबह की जो 9 बजे की मीटिंग है उसके बाद ही पूरी रूपरेखा निकल कर सामने आएगी और उम्मीद की जा रही है कि कल गुरु पर्व का दिवस है और उस दिन कुछ ऐसा निकल कर सामने आए कि किसान नेता दिल्ली की सीमा को छोड़ दें और लगा और जाकर जो इनकी एक तय जगह से है वहां पे जाके बैठे और वहां पे प्रदर्शन करे और सरकार इनसे जो बातचीत करेगी उसके बाद आगे का रुख ठीक है। मोहित, एक बात बताइए कि क्या, क्योंकि अमित शाह के इस बयान के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला है कि तय जगह पर जाना चाहिए किसानों को, तो क्या ये तय जगह निरंकारी मैदान ही होगा या फिर कोई और जगह हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से कल इनके बयान सामने आ रहे थे, इनका कहना था निरंकारी मैदान हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो निरंकारी समाज है उनसे सिखों को लेकर एक पीछे द्वंद्व चला है काफ़ी लंबे समय पंजाब के इतिहास में रहा है, तो निरंकारी मैदान ये जाने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हमें दिल्ली की किसी और जगह पर भेजा जाए, जैसे रामलीला ग्राउंड है या जंतर मंतर, वहाँ अगर इनकी बातचीत होती है तो ये उन जगहों पर जरूर जा सकते हैं। लेकिन निरंकारी मैदान को लेकर भी इनके बीच में आपसी द्वंद्व है, कुछ लोग जो है निरंकारी मैदान में मौजूद है लेकिन कुछ जो सिख संगठन के लोग या कुछ प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि निरंकारी मैदान में नहीं जाएंगे। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से पूरा जो निरंकारी मैदान है वहाँ पर तैयारियाँ की जा चुकी हैं, वहाँ पर टेंट लग चुके हैं, इनके जितनी भी जरूरत की जहाँ पे जगह है वो बना दी गई है और अब देखना है कि अब जो बातचीत है खाली कराया जाए, तय जगह पर किसान पहुंचे ताकि बातचीत आगे बढ़ पाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।